Hey guys, welcome back to another guys. आज की इस वीडियो में हनुमान जी की ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। और प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से हनुमान जी की फेस को कलरिंग किया था और मकुट को किस तरीके से कलरिंग किया था, तो वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो चलो उसे देख लेना। वीडियो की लिंक आप लोगों की डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अभी कलरिंग की सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं बियर्ड्स के ऊपर कलरिंग कर रहा हूँ और डिफरेंट स्पॉट को ऑब्जर्व करके बियर्ड्स की डायरेक्शन में डार्क ब्राउन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर जिस एरिया में ज्यादा डार्क है वहाँ पर हमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है और लाइट एरिया में लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है। बाकी जो भी एरिया एकदम से लाइट है वो सब एरियाज को छोड़ के सेटिंग करना है। और अभी हेयर्स के एरिया में भी सेम उसी तरीके से ही सेटिंग कर लेना है। एंड देन अभी डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जो भी लाइट एरियाज को छोड़ के मैं सेटिंग किया था वो सब एरियाज में अभी डीप येलो कलर से सेटिंग करना है। और जहाँ पर व्हाइट हेयर्स है वहाँ पर हमें व्हाइट कलर से सिंपली इस तरीके से सेटिंग करना है। और अभी इसको ब्लेंड करना है तो अच्छी तरीके से कलर्स को कवर कर लेना, नहीं तो ब्लेंडिंग ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अभी स्मॉल एरिया में वही हेयर्स की डायरेक्शन में कॉटन बट से इस तरीके से ब्लेंड करना है और लार्ज एरिया में फिंगर्स की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हो। ओके, बेस लेयर कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके इसके ऊपर डार्क वैल्यूज को देना है। तो पहले मैं जिस तरीके से डार्क ब्राउन कलर से सेटिंग किया था सेम अभी उसी तरीके से ही ब्लैक कलर से सेटिंग करना है। और थोड़ा अच्छा रिजल्ट्स चाहिए तो पेस्टल को शार्प कर लेना। और अभी इसको भी फिंगर की मदद से ब्लेंड कर देना है, बट इस पर एकदम लो प्रेशर में ब्लेंड करना है हमें क्योंकि ये सेकंड लेयर है। अभी सेकंड लेयर में थर्ड लेयर में ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके ब्लेंड करोगे तो कलरिंग में पैचेस आ सकते हैं। ओके, सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी थर्ड लेयर में फिर से एक बार जो भी एरियाज में मुझे थोड़ा और डार्क वैल्यूज चाहिए तो वो सब एरिया में ब्लैक कलर से वही हेयर की डायरेक्शन में सेटिंग कर रहा हूँ। और फिर से अभी लाइट एरियाज में लाइट येलो और व्हाइट कलर से सेटिंग कर लेना है। और अभी आप लोग देखो हेयर्स कंप्लीट हो गई है और ये ऑलमोस्ट रियल भी लग रहा है। और अभी इसको और रियल करने के लिए कैची से नहीं तो कटर से लाइट वैल्यूज में हेयर की डायरेक्शन में इस तरीके से स्ट्रोक देना है और थोड़ा थोड़ा जो भी हेयर्स को हाईलाइट करना है उसमें ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इस तरीके से सेटिंग करना है या फिर स्ट्रोक देना है। बाकी आप लोग अभी देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, देन आप लोग समझ जाओगे किस तरीके से एक्चुअली यहाँ पर करना है। ओके, हेयर्स बियर्ड्स कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी बैकग्राउंड को कलरिंग करने से पहले बैकग्राउंड में जो भी राम नाम लिखा हुआ है उसमें पहले इंडेंटिक टेक्निक से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके कोई भी इंकलेक्स पेन से इस तरीके से लिख लेना है। ये इसलिए करना है क्योंकि ये ना करके अगर आप लोग कलरिंग करोगे देन ये सब छुप सकता है एंड देन आपको बाद में राम नाम विदाउट आउटलाइन
डायरेक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोगों को पहले कर लेना है, बट ध्यान रखना पेपर मोटा होना चाहिए। अगर आप लोग थिन पेपर में ये कलरिंग कर दो देन बिल्कुल भी ये चीज अप्लाई मत करना, नहीं तो पेपर फट सकता है। एंड देन अभी बैकग्राउंड को कलरिंग करने के लिए सब्जेक्ट के आसपास यानी हनुमान जी के आसपास लाइट येलो कलर से शेडिंग कर लेना है, देन वर्मिलन ह्यू कलर से शेडिंग करना है, देन ब्राउन कलर से शेडिंग करना है और लास्ट में ब्लैक कलर से शेडिंग करना है। बाकी मैं अभी किस तरीके से कर रहा हूं आप लोग देखो ध्यान से। ओके, कलरिंग करने के बाद अभी इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पर कॉटन बट का यूज कर रहा हूँ और ब्लेंड आप लोगों को छोटे छोटे राउंड राउंड करके करना है ताकि बैकग्राउंड में वो स्मोक इफेक्ट आ जाए। ओके गाइस, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था और जैसे कि आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है। ये मैं इसलिए चेंज किया क्योंकि हनुमान जी की मुकुट और बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सेम कलर में हो गया था तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं सब्जेक्ट के आसपास वर्मिलन ह्यू कलर से शेडिंग किया हूं और उसके बाद फुल बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का यूज किया हूं। टेक्निक वही सेम पहले मैं जिस तरीके से तीन चार कलर्स को यूज करके किया था। ओके, नेक्स्ट अभी कलरिंग और ब्लेंडिंग करने के बाद देखना थोड़ा बहुत राम नाम की छाप आप लोग को देखने को मिल जाएगी क्योंकि पहले हम वो इंडेंटिक टेक्निक का यूज किया था। तो अभी मैं ऑरेंज कलर को यूज करके लिख रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर एक्रेलिक कलर नहीं तो पोस्टर कलर नहीं तो कलर पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी जो भी ज्वेलरी है वो सब मैं पहले पार्ट में जिस तरीके से मुकुट में कलरिंग किया था सेम उसी टेक्निक का ही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को कुछ बोलने को है नहीं, जस्ट मैं किस तरीके से कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ वो चीज़ आप लोग अच्छी तरीके से नोटिस करो।
ओके नेक्स्ट अभी माला पार्ट व्हाइट एरिया में, तो पहले आप लोगों को फुल व्हाइट कलर से घिस लेना है और रेड पार्ट में रेड कलर से इस तरीके से स्क्रेबल टेक्निक से शेडिंग करना है। और स्क्रेबल टेक्निक जिसको भी नहीं पता, यहाँ पर मैं वीडियो को स्लो किया हूँ, तो आप लोग देखो स्क्रेबल टेक्निक से किस तरीके से शेडिंग करना है। और हाँ, रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके लाइट वैल्यूज को छोड़ के शेडिंग करना है। ओके नेक्स्ट अभी रेड पार्ट में लाइट वैल्यूज में येलो और व्हाइट कलर से भरना है सेम उसी टेक्निक से। और व्हाइट एरिया में अभी डीप येलो कलर से डार्क वैल्यूज को देना है, यहाँ पर भी सेम उसी टेक्निक से। और लास्ट में अभी फिर से एक बार उसी टेक्निक का यूज करके ब्लैक कलर से फुल माला में डार्क वैल्यूज को देना है। और उसके बाद अभी हाईलाइट करने के लिए या फिर लाइट वैल्यूज को देने के लिए कैची से स्क्रैच कर सकते हो, और यहाँ पर भी सेम उसी टेक्निक का यूज करना है। तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है, और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस ड्राइंग को करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं अभी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।